नमस्कार दोस्तों, मैं राजनारायण मोटिवेशनल स्पीकर, आपका दोस्त, आपका साथी। साथियों, 2020 आपके सामने है। आप इसे अपने सामर्थ्य में रख सकते हैं, आप इसे अपनी मुट्ठी में रख सकते हैं, क्योंकि खुला आसमान आपके सामने है और पूरी धरती की दूरी आपके सामने है। आप अपने हौसलों की उड़ान से आसमान की ऊंचाई को नाप सकते हैं, आप अपने सामर्थ्य से पूरी धरती की दूरी को तय कर सकते हैं। तो आइए 2020 में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए आगे बढ़ चलें। आइए 2020 में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए अपने कदम को आगे बढ़ा दें। साथियों, अगर इस वीडियो से आप अंत तक जुड़े रहे तो निश्चित मानिए 2020 आपके सामर्थ्य में होगा, 2020 आपकी मुट्ठी में होगा। पहला पॉइंट साथियों, आपको जो ध्यान में रखना है, पहली बात जो ध्यान में रखनी है वो ये कि 2020 में आप तय करिए कि आपको लीडर बनना है। साथियों, लीडर बनने के लिए किसी पोजीशन की जरूरत नहीं है। लीडर बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप अपने काम की क्षमताओं को विकसित करिए। धीरे धीरे आपके काम की क्षमताएं जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी, वैसे आपके पीछे चलने वाले लोग आपको लीडर मानेंगे। दूसरा पॉइंट साथियों याद रखना है, कोई भी काम आपके लिए असंभव नहीं है, उस काम को आप असंभव मत समझिए, क्योंकि इंसान ही है जो असंभव को संभव में बदलता है, इंसान ही है जो असंभव को संभव में परिवर्तित करता है। तीसरा साथियों, आपको अपनी क्वालिटी को बढ़ाना है, और इस क्वालिटी को ऐसे बढ़ाना है कि आपकी प्रशंसा कोई करता है या नहीं करता है, ये आपको जरा भी ध्यान नहीं रखना है। सिर्फ और सिर्फ अपनी क्वालिटी को आपको धीरे धीरे बढ़ाते चले जाना है। चौथा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, अपनी क्षमताओं को आपको विकसित करना है। आपके अंदर इतनी असीम शक्ति है, आपके अंदर इतनी ताकत है, उस क्षमताओं को आपको विकसित करना है, क्योंकि आप एक परमाणु की तरह हैं। आपके शरीर का जो कण है वो परमाणु की कण की तरह है। अगर इन कणों को एक एक करके आपने साथियों जोड़ लिया तो निश्चित मानिए आपके अंदर असीम क्षमताएं विकसित हो जाएंगी। साथियों, अंतिम जो बातें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपने यहाँ कहावत भी कही गई है कि अंत भला तो सब भला। इसलिए अगर अंतिम बातों को आपने ध्यान में नहीं रखा, अपने जहन में नहीं उतारा, तो आगे की सारी बातें आपकी बेकार हो जाएंगी। साथियों, आपको कभी भी अपने को कमतर नहीं आंकना है। कई बार होता है कि आप अपनी कमियों को धीरे 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 इकट्ठा करते रहते हैं और आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में आप सोचते हैं कि आप कमजोर हैं और आप अपने आप को कमतर महसूस करने लगते हैं। तो इसलिए 2020 में आपको किसी भी तरह से कमतर नहीं समझना है अपने आप को। साथियों, अगली जो बात है वो सबसे महत्वपूर्ण है। आपने 2019 में जो टारगेट निर्धारित कर रखा था और उसमें सफलता नहीं मिली, 2019 का जो टारगेट आपने अचीव नहीं किया, जो 2019 के टारगेट तक आप नहीं पहुंचे, 2020 में उस टारगेट को आपको पाना है। और आप चैलेंज कर दीजिए, आप चुनौती कर दीजिए कि अब मैं आ रहा हूं, 2020 का जो टारगेट है, लक्ष्य है, उसे पाकर ही रहूंगा, उससे कभी पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। साथियों, 2020 में आपको तय करना है कि आपको फोन पर ज्यादा लंबी बातें नहीं करनी है, क्योंकि ज्यादा लंबी बातें ये आपकी समय की बर्बादी होती है। कई ऐसे फोन आते हैं जो आपके समय की बर्बादी करते हैं, जो आपके समय को बर्बाद करते हैं। उन फोन को आपको रिसीव नहीं करना, उन फोन को आपको उठाना नहीं। साथियों, अंतिम बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको 2020 में सोशल मीडिया पे ज्यादा बिजी नहीं होना। आपको जितना जरूरत है, जितनी आपको आवश्यकता है, उतना ही सोशल मीडिया का आप उपयोग करिए। अनावश्यक रूप से एक बार अगर आप सोशल मीडिया के अंदर गए तो घंटे, दो घंटे, तीन घंटे, चार घंटे, ना जाने कितने घंटे, कितना समय व्यतीत हो जाता और वो समय आपका बर्बाद होता है। साथियों, अगर इन बातों को आपने ध्यान में रखा तो निश्चित मानिए 2020 आपके मुट्ठी में होगा, 2020 आपके सामर्थ्य में होगा।